भैया तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर वड़ा पाव वाली दीदी। भाई ये रूट राइडर्स को बैन करने का क्या मसला है भाई? वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर रूट राइडर्स अलाउड है, लेकिन जो दूसरे कम्युनिटी कुछ कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे भाई साहब रूट राइडर्स को बैन कर दिया जाता है। टूर्नामेंट्स के अंदर रूट राइडर यूज ही नहीं कर सकते। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारी पूरी टीम रूट राइडर करती है, तो भाई रूट राइडर को छोड़ के दूसरे अटैक्स के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। आज भाई साहब इस टूर्नामेंट ने हम लोगों को हमारा दिमाग चलाने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि रूट राइडर्स बैन है यहाँ पे। और आज हमारी मैच एक ऐसे टीम के साथ है जिनके साथ हमारी एक प्रीवियसली मैच हुई थी जहां पे रूट राइडर अलाउड था, वहां पे उस टीम ने भी 15 स्टार्स मारे थे, हमने भी 15 स्टार्स मारे थे और हम लोग वहां पे जीते थे टाइम से। और आज अगेन हमारी एक कम्युनिटी टूर्नामेंट की मैच है जहां पे रूट राइडर बैन है। ओके दोस्तों, मैच हो चुकी है चालू और पहला अटैक आ चुका है रॉबिन हुड क्लैन की तरफ से और उनकी साइड से हो रहा है लावा लून अटैक। टू बी ऑनेस्ट यार, रूट राइडर अटैक्स के अंदर भाई दिमाग तो लगाना होता नहीं है। हमारी पूरी टीम आजकल रूट राइडर्स कर रही है और जब रूट राइडर बैन हो जाता है भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रूट राइडर में क्या ही है, एक ही आर्मी है, एंगल बस आप लोगों को सिलेक्ट करना है कहाँ से घुसना है, फिर तो देना है आपको धनाधन स्पैम। लेकिन आज भाई साहब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। वैसे आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, आप लोगों को देखने में क्या पसंद है, रूट राइडर वाले स्पैम अटैक्स या फिर नॉन रूट राइडर वाले अटैक्स? क्योंकि भाई इसी चीज़ की वजह से मैंने जो नॉर्मल हमारे क्लैन वॉर्स होते हैं वहाँ पे मैं रूट राइडर अटैक्स करना ही बंद कर चुका हूँ, जिससे कि भाई साहब हमारी चीज़ों पे, हमारे स्किल्स पे, जो हमारा सोचने का तरीका है उस पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। टूर्नामेंट जहाँ पे अलाउड है रूट राइडर्स वहाँ पे हमारी पूरी टीम पूरे शिद्दत के साथ रूट राइडर्स स्पैम मारती है ताकि कम वक्त में भी ट्रिपल हो जाए और ट्रिपल भी आए और ईजी स्ट्रेटजी भी है ना, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अलाउड है। लेकिन जहां पे अलाउड नहीं है, जैसे कि आज के मैच के अंदर बैन है रूट राइडर, तो भाई आज के मैच के अंदर अपने को और अपनी पूरी टीम को कुछ अलग करना पड़ेगा, रूट राइडर्स अलाउड है ही नहीं। अब देखो ये लोग जैप लावा लून कर रहे हैं, बंदे ने तो भाई साहब बैटल ड्रिल डिप्लॉय कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे मोनलिथ के ऊपर और ड्रैगन भर रखा है हम लोगों ने सीसी के अंदर। होपफुली ये ड्रैगन दिक्कत दे और ये अटैक इनका फेल हो जाए। पहले ही अटैक अगर इनका फेल हो गया ना मजा आ जाएगा। बंदे ने पॉइजन डाल के रखा है, रॉयल चैंपियन है, ड्रैगन सुपर ड्रैगन को मारने वाला कोई है नहीं, तो सुपर ड्रैगन धीरे धीरे करके होपफुली सारे के सारे बलून्स को डाउन करें। और आप लोग यार कमेंट करके बताओ आपको क्या पसंद है, रूट राइडर और बिना रूट राइडर, कमेंट करके बताओ भाई क्या लग रहा है, फेल है? लग तो रहा है दोस्तों मेरे को ये फेल। अरे यार मर गई, मार दिया भाई साहब, सुपर ड्रैगन मर गया। लेकिन यार अभी भी दो मल्टी इन्फिर्नोज बचे हुए हैं, बलून्स का ढेर सारा बंच है यहाँ पे और एक मल्टी इन्फिर्नो उनको होपफुली टेक डाउन कर ले। टोर्नेडो भी निकल चुका है मेरे हिसाब से दोस्तों। दिस इज अ खत्म अटैक, नॉट अ खत्म बेस। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर ठोक देना दोस्तों, ठोक दो भाई सब्सक्राइब बटन ठोक दो। ये क्या हो रहा है भाई, होएगा क्या ये ट्रिपल? बुढ़ाओ जिंदा है भाई, बुढ़ाओ हवा में उड़ रहा है। ओके मेरे हिसाब से 90% के आसपास आ जाना चाहिए। और एयर डिफेंस प्लीज खत्म कर दे यार, जल्दी से खत्म कर दे भाई, मजा आ जाएगा भाई। 91 ले गया, 92 ले पाएगा या इधर से 92 भी आ जाएगा? 93 नहीं आ पाएगा, 92 आएगा दोस्तों। दो मिनियंस बचे हुए हैं, 92 आएगा क्योंकि एयर डिफेंस अभी आएगा तो मार देगा। वेरी नाइस जॉब, पहला अटैक फेल हो चुका है और इस टीम ने रूट राइडर के साथ 15 स्टार मारे थे भाई हम लोगों को। ओके भाई साहब अभी हमारी बारी है, लेट्स गो फॉर अटैक। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं दोस्तों लावा लून, वो भी क्वीन चार्ज। देखते भाई क्या होता है, क्योंकि देखो भाई एक तो भाई दिमाग खराब हो गया है मेरे को, यहाँ पे रूट राइडर का मस्त प्लान बन रहा था लेकिन पता चला कि रूट राइडर बैन ही है, तो कुछ और ही करना पड़ेगा अपने को इधर। चलो 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 यहाँ से क्वीन चालू करेंगे। ओके ऑल ब्रेक देके क्वीन को अंदर लेके जाएंगे और किंग को भी यहाँ से अपने को अंदर लेके जाना है, ठीक है। क्वीन के ऊपर डैमेज तो हो रहा है भाई, फ्लिंगर चलो अपना सही काम कर रहा है, वेरी नाइस जॉब। ओके एनिमी का किंग है जो दिक्कत दे सकता है, तो हेड हंटर के साथ मारेंगे भाई उसको। चलो भाई मोनलिथ मिल चुका है, किंग की एबिलिटी और फुली किंग पूरा कंपार्टमेंट निकाल दी इधर से। सीसी आ रही है, हाँ भाई अभी तो नया अपडेट के बाद भाई आप लोग सीसी के अंदर भाई 50 ट्रुप्स भर सकते हो, मतलब 50 आर्चर्स भी भर सकता है एक बंदा, तो मेरे को तो लग रहा है इसकी पूरी सीसी के अंदर 50 आर्चर्स ही भर रखे हैं भाई। टॉक्सिक सीसी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मेरे हिसाब से इन लोगों को लगा होगा भाई स्पैम आएगा,
उस हिसाब से इन्होंने टॉक्सिक सीसी डाल रखी है 50 आर्चर वाली। ले भाई पॉइजन डालते ही पूरी सीसी अभी मेरे को विद इन 2-3 सेकेंड्स मिल जाएगी। ले भाई सीसी मिल चुकी है पूरी की पूरी मेरे को फ्री फंड में। ओके चलो चलो चलो, लगता है भाई सारी स्पेल क्वीन के ऊपर इन्वेस्ट होने वाली है आज मेरी, क्योंकि भाई क्वीन के साथ अपने को निकालना है टाउन हॉल। लेट्स गो, रॉयल चैंपियन भी कर रही है अपना काम। ओके चलो भाई साहब, लालों की बारी आती है अभी। बुड्ढा जाएगा, हीलिंग टोम इस्तेमाल करा हम लोगों ने बुड्ढे के ऊपर। चलो भाई क्वीन निकाल लेगी यहाँ से टाउन हॉल, आरसी कर रही है अपना मस्त काम। अरे बाप रे टेस्ला फार्म आ गया। ओके अबे यार कुछ बलून्स आए ही नहीं भाई बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर, मसला हो गया। कोई ना क्वीन के पास एबिलिटी है, सुपर मिनियंस कर रहे अपना अच्छे से काम, वेरी नाइस जॉब। ओके ये फ्रीज आएगा यहाँ पे क्लीन अप के लिए यहाँ पे ट्रूप्स। और भाई साहब ये वाला बेस निपट चुका है भाई। चलो भाई साहब हम लोगों ने तो यार कर दिया भाई अपना काम, अभी टीम वालों की बारी है। बस अभी हमारे टीम वाले भी भाई साहब सब मिल के मारे बिना रूट राइडर के साथ सारे ट्रिपल, तभी मजा आएगा। चलो भाई एटलीस्ट हम लोग लीड में आ चुके हैं पहले ही अटैक के बाद। चलो भाई साहब उनकी तरफ से अगला अटैक आ चुका है, NSPG कैश। ओके तो ड्राइव के बेस के ऊपर भाई ये बंदा कर रहा है सुपर ड्रैगन्स के साथ अटैक। अरे बाप रे भयंकर लेवल का चीज होने वाला है यहाँ पे। क्वीन के लिए अभी से वॉल ब्रेक दे दिया भाई इस बंदे ने, क्या प्लान किया है भाई इसका। भाई SB एक साइड पे, क्वीन एक साइड पे, किंग पता नहीं कहाँ डालेगा। यहाँ पे स्केलेटन स्पेल डाल के भाई साहब ड्रैगन और बलून स्पैम दे दिए इस बंदे ने। ओके भाई टोर्नेडो इधर ही रखा हुआ है तो अभी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसको। एक फ्रिज स्पेल डिप्लॉय कर दिया, बार्बेरियन किंग को भी उतार दिया, सीसी के अंदर भी सुपर ड्रैगन इस्तेमाल करा है और बलून्स निकले। बुड्ढे की एबिलिटी भाई बंदा दे नहीं रहा, पता नहीं कब देगा। दे दी भाई बुड्ढे की एबिलिटी और हमारे सीसी के अंदर से भी भाई साहब निकल चुका है सुपर ड्रैगन, वेरी नाइस जॉब। रॉयल चैंपियन को भी उतार दिया, तीनों हीरोज एक साइड पे, SB एक साइड पे। अरे वाह बंदे का प्लान तो बड़ा अच्छा है भाई, इस बंदे के सुपर ड्रैगन सर्वाइव कर गए, क्या बात है दोस्तों। रॉयल चैंपियन कर रही है अपना काम, मेरे हिसाब से रॉयल चैंपियन काफी तगड़ी वैल्यू यहां से निकालने वाली है। एक स्केलेटन स्पेल को डिप्लॉय करा गया है भाई यहां पे। देखो 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 आरसी के हॉक्स कैसे निकल गए भाई बाहर, वापिस रेड स्पेल डिप्लॉय कर दिया सुपर ड्रैगन्स के ऊपर, जिससे कि जल्दी जल्दी सुपर ड्रैगन्स अपना काम कर रहे हैं भाई। गलत लेवल की चीज भाई, बंदा क्या ही ले गया है भाई, कितने कम वक्त के अंदर भाई साहब, 1.5 मिनट में ले गया भाई बंदा पूरे बेस को, 1.5 मिनट के अंदर मजा आ गया। ये लो दोस्तों हमारी साइड से एजाज भाई आ चुके हैं अटैक के लिए और एजाज भाई यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी के साथ अटैक। मोगी भाई और एजाज भाई तो देखो टाउन हॉल 13 फिर 14 फिर 15 इलेक्ट्रो मारते रहते हैं, अभी देखते हैं एजाज भाई का इलेक्ट्रो अटैक कैसे होता है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो भाई रॉकेट लून्स के साथ एयर डिफेंस डाउन करके एक इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया, आइस गोलू डिप्लॉय करके क्वीन को उतारा है, एक बलून डाल के सारे इलेक्ट्रोज आ चुके हैं, बुढ़ा आ चुका है, वापस बलून्स भी डाल दिए। चलो दो एयर डिफेंसेस मिल चुके हैं, मतलब फनल ठीक ठाक बन चुका है, दो रेज उतार के बुढ़ाओ की एबिलिटी उतार दी, वेरी नाइस। ब्लिंप जा रही है टाउन हॉल की तरफ, फ्रीज फ्रीज, अरे भाई साहब फ्रीज लगा दिया, टाउन हॉल मिल गया भाई, क्या बात है। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स काफी अच्छे तरीके से पुश तो हो चुके हैं कोर में। अरे वाह स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय कर दिए यहाँ पे मोनोलिथ के ऊपर। चलो भाई मोनोलिथ अभी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, अरे यार कहाँ है काहे का डिस्ट्रैक्टेड मार रहा है भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन को, गजब बात है भाई। किंग की एबिलिटी दे दो, वेरी नाइस किंग की एबिलिटी दे दी। सीसी के अंदर से रॉकेट लून्स निकल चुके हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स अभी भी जिंदा है, एक फ्रीज है, रॉयल चैंपियन अभी तक डिप्लॉय करी नहीं है, क्वीन के पास एबिलिटी बची हुई है अभी भी, क्या बात है दोस्तों। कॉर्नर में टेस्ला रखा हुआ है भाई, खींच तो लिया एजाज भाई ने भी लगभग उतना ही टाइम, क्या बोलते हो, जितना उस बंदे ने खींचा था। और यार लीड एक्चुअल में हमारे पास है अभी, देख के तो ये एजाज भाई का ट्रिपल ही लग रहा है, क्योंकि सामने वालों का एक अटैक ना 92% हो चुका है, मजा आ गया। एजाज भाई का किंग 94 का है भाई, एजाज भाई क्या कर रहे हो यार, मैक्स नहीं करा आपने किंग को,
कोई बात नहीं है, एजाज भाई ने मैक्स नहीं कराया तो, लेकिन आप लोग आपका बेस मैक्स कर सकते हो, क्योंकि TWOB जो हमारी ऑर्ग है उन्होंने इंस्टाग्राम पे 20 गोल्ड पास का गिव अवे रखा हुआ है, तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना गिव अवे के अंदर। सभी लोग 20 लोगों को मिल सकते हैं गोल्ड पास, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके पार्टिसिपेट जरूर करना गोल्ड पास के अंदर, गोल्ड पास के गिव अवे के अंदर। और एजाज भाई आप भी कर लो यार, आपको भी गोल्ड पास मिल जाएगा, एटलीस्ट किंग तो मैक्स हो जाएगा। और आरसी स्वैग मार दी एजाज भाई ने, यहाँ पे आरसी डाली नहीं है, मजा आ गया। दोस्तों ओपोनेंट की तरफ से क्वीन चार्ज लावा लून अटैक हो रहा है भाई साहब। ओके बंदा चार रेज स्पेल ले गया जो है भाई फ्लिंगर के साथ, वो भी फ्रोजन एरो के साथ कर रहा है। अपन ने भी फ्रोजन एरो के साथ ही करा था, फ्रोजन एरो के साथ क्वीन चार्ज सबसे बेस्ट बैठता है भाई, मजा आ जाता है। वॉल ब्रेकर, अरे बाप रे, इसकी क्वीन अंदर चली जाएगी तो भाई वैल्यू ही वैल्यू मिलेगी भाई इस बंदे को। किंग को उतार दिया भाई, अरे बाप रे, बंदे ने भाई प्लान तो तगड़ा करा है। सिंगल इन्फिर्नो है और एक मल्टी है। क्वीन गलत जा रही है, गलत चली जा चली जा चली जा भाई प्लीज, गलत चली जा, वेरी नाइस वेरी नाइस। लग गए, इसकी पाथिंग खराब हो चुकी है दोस्तों क्वीन चार्ज की, इस बंदे की। सुपर ड्रैगन आ चुका है सीसी के अंदर से, स्कैटर शॉट भी मार रहा है, सब लोग मिलके मार, अरे वाह 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 वाह, खत्म कर हिलर, खत्म हो जा। अरे यार एक हिट और चाहिए हिलर्स के ऊपर, हिलर खत्म होने के लिए, हो जा हो जा हो जा, खत्म। ईगल का शॉट पड़ गया, हिलर खत्म, क्वीन भी खत्म, हो जा दब जा, दब गई। अब तो भाई शायद एक स्टार लगे होएगा, मुश्किल लग रहा है एक स्टार, क्योंकि ढेर सारे बलून्स है, रॉयल चैंपियन है भाई। इस बंदे का अटैक फेल है भाई, क्या ही क्वीन चार्ज इसका हुआ है भाई, इस बंदे का गलत ही सीन, सब कुछ गलत हुआ भाई इसके क्वीन चार्ज के अंदर, एक भी चीज ढंग की नहीं हुई है। और इन इसी क्लैन ने भाई हम लोगों को रूट राइडर वाले मैच के अंदर भाई 15 स्टार मारे थे, हालांकि हारे तो उधर भी थे ये लोग टाइम से, हमने भी 15 मारे थे, हमने भी रूट राइडर यूज करे थे। होपफुली भाई आज की मैच हम लोग जीत जाएंगे अगेंस्ट, मजा आ जाएगा। अच्छी टीम है ये वैसे, रॉबिन हुड हुड हुड, दबंग दबंग दबंग। चलो गाइज ये वाला तो फेल हो चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं करना है भाई, हम लोग दो अटैक्स फेल अफोर्ड कर सकते हैं इस मैच के अंदर क्योंकि हमारे बेसिस अच्छे से डिफेंड कर गए भाई। ले ये भाई 75-80% तक तो ले ही जाएगा, 75 हो गया, 78 हो गया इधर से, 79 और 80 हो जाएगा इधर से, 80 के ऊपर भी हो सकता है, या 81 नहीं होएगा आई थिंक, फेल है भाई। लेट्स गो दोस्तों, हमारी साइड से अगेन लावालून अटैक आ चुका है, सैम भाई साहब आ चुके हैं, लेकिन ये वाला ना यार अलग लावालून है, जैप लावालून भी नहीं है, ना ही क्वीन चार्ज लावालून है, ये है ब्लिजहर्ड लावालून। अब भाई साहब ब्लिजहर्ड करेंगे कहां पे ये देखना पड़ेगा। बेस लेआउट तो भाई बंदे का अच्छा है, काफी अच्छा बेस लेआउट है। सबसे पहले तो लावा डाल के यहाँ पे डिप्लॉय करा गया है ब्लिम्प को, वो भी एक्सबो कंपार्टमेंट के अंदर, वेरी नाइस, क्योंकि उस कंपार्टमेंट के अंदर ज्यादा कुछ था ही नहीं, तो सुपर विजर्ट्स वहां पे जिंदा बच चुके हैं। होपफुली सुपर विजर्ट्स अच्छी वैल्यू निकाल के दे। स्कैटर तो इन्होंने निकाल दिया, एक्सबो भी निकाल दिया, मल्टी भी निकाल दिया, बस यहाँ से ये, अरे वाह ले भाई 12% की वैल्यू यहाँ से टेकडाउन करी है सैम ने अपने सुपर विजर्ट्स के साथ। सीसी के अंदर से भाई साहब रॉकेट लून्स आ चुके हैं, जायंट डाल के क्वीन को उतार दिया, वेरी नाइस जॉब। वॉल ब्रेकर भी दे दिया, ये भी अच्छा कर दिया, आइस गोलम भी दे दिया। ओके यहाँ पे पॉइजन स्पेल डिप्लॉय कर दिया, रॉयल चैंपियन भाई साहब तीनों हीरोज को इतना जल्दी काहे उतार दिया भाई, टाउन हॉल कैसे निकालोगे यार, टाउन हॉल का दिक्कत ना पड़ जाए भाई साहब। अरे यार मोनो ने किंग को पकड़ लिया भाई साहब, किंग की एबिलिटी बर्बाद करवा दी। स्केलेटन थोड़ा जल्दी डालना चाहिए था, कोई मसला नहीं है अभी भी हो सकता है, क्वीन अच्छे से काम करे। आई थिंक क्वीन के साथ टाउन हॉल निकालने की कोशिश कर रहा है सैम, एक और वॉल ब्रेकर की सैम को जरूरत पड़ेगी भाई, दे दे वॉल ब्रेकर स्कैटर शॉट पे, स्कैटर डाउन होने से पहले, वेरी नाइस वॉल ब्रेकर दे दिया। सीसी के अंदर से हॉक्स आ चुके हैं, रॉकेट लून्स आ चुके हैं, अरे देवा रे देवा, ए क्वीन मार भाई 50% ले गया, बताओ देख रहे हो दोस्तों 50% वैल्यू हीरो और ब्लिजर्ड के साथ। अभी क्वीन के साथ टाउन हॉल मिल ही जाएगा, उसके बाद पूरा एक स्ट्रेट लाइन में करना है लावा लून, और लावा लून के पाथ में ही देखो भाई पूरा का पूरा टेस्ला फार्म भी मिल रहा है और हेवी डिफेंसेस भी मिल रहा है, वेरी नाइस जॉब बाय सैम। ट्रिपल लग रहा है भाई, बुड्ढे की एबिलिटी सही टाइम पे दे दी है, अभी भी 7 बलून्स है, फ्रीज है भाई साहब इतने सारे, इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी है, वेरी नाइस जॉब बाय सैम, काफी अच्छा अटैक करा। तो भाई साहब ये हमारी साइड से हो चुका है तीसरा ट्रिपल, सामने की साइड से दो फेल आ चुके हैं ऑलरेडी,
सामने वालों के दो ही अटैक्स बचे और हमारे भी दो अटैक्स बचे, एक ड्रैगो का बचा है और एक तैयब भाई का बचा हुआ है। ले भाई दो स्पेल्स का स्वैग मारते हुए सैम ने दे दिया यहाँ पे ट्रिपल, मजा आ गया। ले भाई हो गया सैम का ये वाला बेस ट्रिपल। हाँ भाई साहब एजाज भाई के बेस के ऊपर अटैक हो रहा है, ये वाला अटैक देखते हैं। ये एजाज भाई के बेस के ऊपर हो रहा है लावा लून अटैक, वो भी क्लोन के साथ। हाँ अब ठीक है, ये कौन सा लावा लून हो रहा है भाई एक क्लोन के साथ। एजाज भाई का बेस ऐसा है जहां पे टाउन हॉल सेंटर में रखा हुआ है और दिक्कत बहुत होगी भाई अगर तुम ब्लिंप नहीं डाल रहे हो टाउन हॉल के लिए। तो देखते हैं जनाब का प्लान क्या है। किंग को एक कंपार्टमेंट के अंदर, क्वीन को एक कंपार्टमेंट के अंदर, दो भाई साहब ने स्केलेटन्स भी लिए हैं, सुपर ड्रैगन रखा था हम लोगों ने सीसी के अंदर, पॉइजन डाल दिया बंदे ने, क्वीन की एबिलिटी दे दी, हिलर्स निकल चुकी है क्वीन के पेट के अंदर से, स्केलेटन डिप्लॉय कर दिया, वेरी नाइस। अरे बाप रे क्वीन बच पाएगी यहाँ पे, स्कैटर है और रिकशे कैनन है, रिकशे कैनन तो डाउन हो चुका है, रेज लगाएगा ये बंदा क्वीन के ऊपर या नहीं लगाएगा, क्या लगता है? नहीं लगाएगा वैल्यू इसको। अरे 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 वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर ड्रैगन बच जा बच जा बच जा, सुपर ड्रैगन अगर बच गया ना भाई इसके लालों के लोले लग जाएंगे। ओके लालो चालू कर दिया, सुपर ड्रैगन बच चुका है, अभी आएगा असली मजा, देखते हैं क्या होता है भैया यहाँ पे। अरे वाह बंदे ने ब्लिंप डाली है, क्लोन भी है, हेस्ट डिप्लॉय कर दिया, बुढ़ो की एबिलिटी एबिलिटी वेरी नाइस एबिलिटी। ओके सुपर ड्रैगन को मारो मारो मारो, हमारा बेस है बच जाए तो हमारे लिए अच्छा है, मैं अटैकर की साइड कहाँ ले रहा हूँ भूल जाता हूँ भाई। बंदे ने टाउन हॉल तो टेकडाउन कर लिया है, ढेर सारे स्पेल्स अभी भी बंदे के पास बचे हुए हैं, क्लोन डिप्लॉय कराए भाई बंदे ने। अरे भाई साहब कर लो बात, बलून्स क्लोन हो चुके हैं यहाँ पे, स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय कर दिया, हेस्ट स्पेल को डिप्लॉय कर दिया है, मोनोलिथ है भाई, हेड हंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं भाई, रॉयल चैंपियन ऊपर की साइड से डिप्लॉय कर दिया बंदे ने भाई, ये तो ट्रिपल लग रहा है बे भाई, ये ट्रिपल कैसे हो गया, क्या ही रिकवरी मारी है इस बंदे ने भाई, मजाक से हटके यार बंदे ने काफी तगड़ी रिकवरी मारी है भाई, हेल होने वाला था ये वाला अटैक, पता नहीं कैसे ट्रिपल हो गया, गलत लेवल भाई गलत लेवल का हिट कर दिया, जोरेन जोरेन नाम है इस बंदे का, अच्छा अटैक करा भाई इस बंदे ने, नाइस नाइस हिट भाई जोरेन। हमारी साइड से दोस्तों चौथा अटैक आते हुए ड्रैगो की तरफ से, वो भी लावालून, और ये हमारी तरफ से तीसरा लावालून है, एक मैंने किया एक सैम ने किया और ये तीसरा ड्रैगो कर रहा है। मेरे हिसाब से भाई रूट राइडर्स की जगह ना लालो को बैन कर देना चाहिए, क्या बोलते हो, फिर आएगा असली मजा। अगर किसी टूर्नामेंट के अंदर जैसे अभी रूट राइडर बैन है तो वहां पे रूट राइडर प्लस लालो ये दो चीजों को बैन रखो, फिर देखते हैं क्या मजा आता है दोस्तों। लालो भी भाई आजकल देखो, अगर मैं ट्रिपल मार रहा हूँ लालो के साथ, मतलब देखो कोई भी मार सकता है ट्रिपल, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ही नूब हूँ, नूब की तरह लालो करता हूँ, तो भाई बाकी लोग तो ईजिली कर ही लेंगे भाई, लालो को भी बैन कर देना चाहिए, लालो भी एक हिसाब से आजकल मतलब चल रहा है ओवर पावर ही चल रहा है रूट राइडर की तरह। अब देखो ड्रैगो जंप वंप के साथ अटैक कर रहा है भाई, ड्रिल मशीन के साथ, क्या बात है भाई साहब, इनकी एबिलिटी इसको निकाल के तो दे देगी वैल्यू, पॉइजन निकाल के दे देगी सीसी, ड्रिल मशीन इसकी अच्छे से काम कर रही है भाई, और क्वीन जाएगी टाउन हॉल में शायद, जाना हाँ भाई क्वीन टाउन हॉल में जाइयो बहन। लालो पीछे से चालू कर दिया भाई बंदे ने ड्रिल मशीन और रॉयल चैंपियन, अरे वाह 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 वाह, ड्रैगो ने बात बात काफ़ी अच्छा चूज़ करा है भाई, मजाक से हटके क्वीन के साथ टाउन हॉल मिल गया, बुढ़ो की एबिलिटी दे दी, दो ही फ्रीज बचे हैं ड्रैगो के पास अभी यहाँ पे, एक सिंगल इन्फर्नो है, ढेर सारे लून्स भी बचे हुए हैं, लावा भी है, सही जा रहा है ड्रैगो का अटैक, अभी भी 11 बलून से एक फ्रीज है, रॉयल चैंपियन एबिलिटी है, फ्रीज ईगल पे डाल दिया, लावा आगे आगे भाग रहा है भाई, चलो लावा ने थोड़ा बहुत तो टैंक करने का काम करा है यहाँ पे, अभी भी 11 बलून से भाई 11 बलून स्वैग देगा ड्रैगो, और भाई साहब 11 बलून मतलब कितना हाउसिंग स्पेस, 55 हाउसिंग स्पेस स्वैग स्वैग करेगा, अरे वाह दोस्तों मजा आ गया, चौथा ट्रिपल आ गया भाई हमारी साइड से, अभी जो आखिरी अटैकर है, नहीं स्वैग नहीं दिया डाल दिया, जो आखिरी अटैकर है हमारी साइड से तैयब भाई, उनको कुछ नहीं करना है भाई, उनको एक स्टार भी करेंगे एक स्टार 80, हाँ एक स्टार 80% भी अगर तैयब भाई करेंगे तब भी हम लोग मैच जीत जाएंगे, कुछ नहीं करना है तैयब भाई को, 1 स्टार 80% करना है जीत जाएंगे हम लोग।
अपोनेंट की तरफ से भी अगेन लावा लून अटैक आ चुका है हमारे बेस के ऊपर। 28 बलून्स के साथ जैप लावा लून हो रहा है और बंदे ने, अरे वाह, एक्सबो, रेडस्पेल टावर और स्कैटर शॉट, ये तीन चीजें डाउन करी है। बार्बेरियन किंग को उतारा गया है सबसे पहले, वॉल ब्रेकर एक ही लिया है बंदे ने, भाई साहब किंग को और क्वीन को एक ही जगह पर डाला है इस कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि यही वाला हेवी कंपार्टमेंट लग रहा है मेरे को। बाप रे, आइस गोलम ने क्या ही फट के फ्रीज किया है भाई साहब, पूरा कंपार्टमेंट फट के फ्रीज हो गया, इससे बेहतर चीज नहीं देखी मैंने, परफेक्ट आइस गोलम फ्रीज। रॉयल चैंपियन को उतारा गया है भाई साहब, ब्लिंप बचा के रखिए, ओके, जायंट डाला है यहाँ पे कैनन के ऊपर। रॉयल चैंपियन आई थिंक मल्टी तक की वैल्यू तो निकाल ही लेगी, क्या बोलते हो, देखते हैं कितनी वैल्यू निकालती है रॉयल चैंपियन। ऊपर की साइड से लालो चालू कर दिया है, बुड्ढे को डाला नहीं है अभी तक। रॉयल चैंपियन निकाल तो लेगी मल्टी मेरे हिसाब से, ईगल क्वीन ने निकाल लिया भाई, और क्या ही चाहिए। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी दे दे भाई, दे दे भाई, बोल रहा नहीं दूंगा, अरे दे दे भाई, नहीं दे रहा, दे दी। चलो भाई साहब, रॉयल चैंपियन ने बड़ी तगड़ी वैल्यू निकाली है भाई इस बंदे की, ले भाई टाउन हॉल भी रॉयल चैंपियन ने निकाल लिया, और यहाँ से भाई साहब लालो नीचे से भी चालू कर दिया भाई, ये बंदा तो घेर के ट्रिपल मार दिया मेरे बेस को, पूरे बेस को बलून से चारों तरफ से घेर लिया भाई बंदे ने। नहीं बच पाएगा मेरा बेस, या बच पाएगा, बचेगा क्या, मोनोलिथ बचा हुआ है भाई, बच जा, अबे एयर डिफेंस बचा हुआ है, बचेगा क्या मेरा बेस, डिफेंड हो जा भाई, अरे कम ऑन बुड्ढे, मर जा मर जा मर जा, बलून, एक एयर डिफेंस बचा है, क्या ये ट्रिपल होगा। ढेर सारे यहाँ पे मिनियंस और लावा पॉप्स है, वो मेरे हिसाब से खत्म कर देंगे भाई इस एयर डिफेंस को। अरे देवा भाई, फेल हो जा भाई, अरे रेड बम लग जा, अरे हो जा फेल, हो जा भाई, अरे अरे क्या ही रगड़ तगड़ के ट्रिपल मारा है भाई इसने रगड़ रगड़ के ट्रिपल दे दिया भाई इस बंदे ने, हद हो गई। अब देखो भाई यहाँ पे ओपोनेंट का स्कोर हो चुका है 5-13 और हमारा 4-12, मतलब अपने को 1 star 80% चाहिए जीतने के लिए भाई साहब, इजिली 1 star तो देखो निकल ही, 1 star छोड़ो 2 star तो इजिली मार ही देंगे, इजी पीजी ये वाली मैच हम लोग जीत जाएंगे, लेट्स गो। तो ये भाई भाई अटैक करो, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, भाई क्या हो गया, तो ये भाई अटैक का ही नहीं कर रहे भाई, अबे 5-4-2 भाई साहब सीन हो गया। तैयब भाई ऑनलाइन तो आए थे लेकिन उनका फोन डेड हो गया, जस्ट अभी मैंने उनको पूछा, लिटरली अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन थे वो, और अटैक पे जाने से पहले ही उनका फोन डेड हो गया, और अभी वापस ऑनलाइन आ चुके हैं, तब तक वॉर खत्म हो गई है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी हार, आई होप आप लोगों को इस मैच के अंदर मजा आया होगा, ऐसी मैच तो भाई साहब आप लोगों ने किसी और टीम को हारते हुए देखा ही नहीं होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।